दोस्तों, इस वीडियो में हम 2022 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पेपर देखेंगे एंड वील वेरीफाई कि जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स हमने देखा है उसको हम इससे कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन डील्स विथ ये मूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी। टॉपिक वन सिनेमा प्रोजेक्टर डीजल ऑयल, अपना बॉम्बे वाला केस भी है, और फ्रूट बेयरिंग मैंगो ट्रीज में डेफिनेशन से आ जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एम्बेडेड इन दैट, फिर डंकन इंडस्ट्रीज वाला जो केस है, और फिर एन एयर कंडीशनर फिक्स्ड ऑन द वॉल बाय द टेनेंट। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर को भी आप जरूर कोट कीजिएगा, वो ज्यादा लिखना नहीं, इसको हमेशा पहला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग, ट्रांसफर इंटरव्यूज एनिमो अटेस्टेंडाई एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गिफ्ट। तो देखिए, ट्रांसफर इंटरव्यू तो आपके सेक्शन फाइव से आ जाएगा। एनिमो अटेस्टेंडाई हमने अटेस्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया है, और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड गिफ्ट हमने वैलिड गिफ्ट वाले को भी नहीं पढ़ा है, तो इसलिए ये मान लीजिए जिसका बस आपको एक आता है तो वो इसको हमें नहीं अटेम्प्ट करना है। वी कम टू क्वेश्चन थ्री। ए एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट टू सेल हिज शॉप टू टेनेंट बी। बी पेज हाफ ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट एंड प्रोमिसेस टू पे द रिमेनिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सून देयर आफ्टर ए सेल्स द सेम शॉप टू सी हु क्लेम्स टू बी बेनिफाइड परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। बी सीक्स लीगल एडवाइस। और फिर ये क्वेश्चन आपका ईसा वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये टॉपिक हमारे टॉपिक थ्री से क्वेश्चन, सॉरी, ये हमारे उससे ये क्वेश्चन हमारा किया हुआ है ईसा वर्सेस सुरेश कुमार, और इनफैक्ट ये हमने देखा है। अब आगे तो आपके दो क्वेश्चन हो गए। सो ए सेल्स टू प्रॉपर्टीज एक्स एंड वाई टू बी। आउट ऑफ द सेट प्रॉपर्टीज एक्स बिलोंग टू ए बट वाई बिलोंग टू एज फादर। ठीक है, ये अपना सेक्शन सिक्स और सेक्शन 43 का क्वेश्चन है, तो ये तो स्पेस में आ जाएगा, ग्रांड बेस्टॉपल, तो ये हमारा उससे हो जाएगा। तीन क्वेश्चन हमने कर लिया। अब पांचवा क्वेश्चन, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी फॉर लाइफ एंड देन टू बी अनबॉर्न फॉर लाइफ एंड देन टू एक्स एब्सोल्युटली। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर टू बी अनबॉर्न डॉटर व्हेन शी अटेन्स 25 इयर्स ऑफ एज। तो ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, तो ये मान लीजिए ये हमने नहीं किया है, तो ठीक है, अभी तक हमारे हमने पहला क्वेश्चन किया है, तीसरा क्वेश्चन किया और चौथा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हुए हमारे। अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफर बिफोर यू ऑब्टेन पोजेशन। एलाबोरेट अपॉन द डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक ही केस से इसका बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और इसलिए आपको जल्दी ये हो जाएगा। सिक्स बी देखते हैं। कंडीशन दैट एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन्स द एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द ट्रांसफर इज वॉइड। आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू द सेड रूल। Elaborate upon the differences between absolute and partial restraint. हमने conditional transfer कर ही रखे हैं, हम रोशर वर्सेस रोशर वाले सब केसेस हैं, और इसके अलावा और भी जो केसेस हैं कि, तो ये हमारे ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली अब तो हमने सब कर ही दिया, हमने अच्छा नहीं, हमने फाइव नहीं किया था, हमें अब सिक्स कर लिए, तो हमारे अब चार क्वेश्चन हो गए। तो हमने बेसिकली टू और फाइव नहीं किया, सेवन पे आते हैं। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस हम कर सकते हैं, इसमें केस भी हम कोट कर सकते हैं। डज इट अप्लाई इन द केस ऑफ कॉलिजियल सूट, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा हुआ है। अ सूट वाज फाइल्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, द सेड सूट वाज रिटर्न्ड फॉर वांट ऑफ पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। बिफोर द सूट वाज फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, द गिफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज मेड टू वाई। इज दिस गिफ्ट इन फेवर ऑफ वाई वैलिड। तो फिर ये गिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने नहीं किया है, और इसका बस हम एक पार्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस आर एन्यूमरेटेड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये हमने कर रखा है, क्योंकि मॉर्गेज का एक सेक्शन है जिसमें सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस है। तो हमारे पांच क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों, बस हम जितने टॉपिक मैंने आपको बताया है उतना कर लीजिए, आप रेस्ट अश्योर्ड आई यू सेल थ्रू। और मैंने आपको वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट, पढ़ने को बोला कंपेयर टू ट्रांसफर ऑफ द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, क्योंकि इसमें एक ही केस है और एक तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बड़ा आपको बहुत लेंदी आंसर नहीं होगा, इसलिए ये कहा। आपके पास टाइम हो तो जरूर वो वेस्टेड बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन पढ़ सकते हैं, नहीं हो तो आप भरोसा रखिए, आप हंसते मुस्कुराते मिलेंगे।
तो दोस्तों कल हम 2021 और 2020 का पेपर डिस्कस कर लेंगे ऑन द सिमिलर लाइंस, और विल आई मेक श्योर कि मैं इसको दोपहर में अर्ली मॉर्निंग मतलब फर्स्ट हाफ में डिस्कस कर लूँ, ताकि आपके पास दिन रहे पूरा, और कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन आप जरूर बताइए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय।